इस वीडियो अपडेट में हम बात करेंगे भागलपुर के रास्ते चलने वाली हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन के डिटेल्स के बारे में। रेलवे इस नई ट्रेन की शुरुआत तो पहले ही कर चुकी है, लेकिन अब इस ट्रेन से एक ऐसी बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है जो कि आपको और भी बेहतर सुविधा प्रदान करेगी यात्रा के दौरान, जब अगर आप बिहार से दिल्ली के लिए सफर करते हैं। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से नई ट्रेनों के अलावे इस अपडेट में हम बात करने वाले हैं नई दिल्ली गोड्डा हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन के बड़ा बदलाव के बारे में। गोड्डा से नई दिल्ली के बीच इस ट्रेन का शुरुआत पिछले महीने हुआ था और ऐसे में इस ट्रेन को चलाने के बाद पैसेंजरों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो तो अभी मिल रही है, लेकिन सामान्य तौर पर देखा गया है कि गोड्डा से भागलपुर की दूरी महज 105 किलोमीटर है, लेकिन यह ट्रेन 4 घंटा से ऊपर का समय लगा देती है। 4 घंटा में तो पैसेंजर लोग जमालपुर से पटना पहुंच जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ट्रेनों को रफ्तार देने के लिए यहां पर कुछ तैयारियां रेलवे की ओर से की जानी चाहिए और कुछ यही हुआ भी। दरअसल रेलवे की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें कि मालदा डिवीजन की 7 ट्रेनों को नई रफ्तार से चलाया जाएगा और इस अपडेट में बताया गया है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सभी ट्रेनों को बढ़ाया जाएगा। साथ ही 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो ट्रेनें चल रही है उनको छोड़ के दूसरी ट्रेनों को 110 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से इस लूप लाइन और साहेबगंज भागलपुर लाइन पर दौड़ाया जाएगा, जिसमें कि नई दिल्ली गोड्डा हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन भी शामिल है। ट्रेन नंबर 02349 की आज हम बात कर रहे हैं जो कि गोड्डा से 12:40 पर दोपहर में खुलती है और यह ट्रेन खुलने के बाद हसदिया मंदार हिल बाराहाट उसके बाद यह ट्रेन सीधे भागलपुर जंक्शन आती है। करीब करीब यह ट्रेन 4 घंटा का समय ले लेती है केवल 105 किलोमीटर दूरी तय करने में। इसके बाद यह ट्रेन भागलपुर से क्यूल लगभग सही टाइम पर पहुंचती है। इसके बाद यहां से खुलने के बाद यह ट्रेन सासाराम के रास्ते गया होते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और प्रयागराज के रास्ते कानपुर सेंट्रल और न्यू दिल्ली पहुंचती है। कुल मिलाकर यह ट्रेन 1325 किलोमीटर का सफर तय करती है। आने वाले दिनों में अगर इस ट्रेन की रफ्तार बढ़ती है तो जाहिर सी बात है कि गोड्डा ही नहीं बल्कि बिहार के कई यात्रियों को इस ट्रेन में सफर करने का मौका मिलेगा, क्योंकि यह ट्रेन अभी भागलपुर से गोड्डा की दूरी 4 घंटा में तय करती है। इतने ज़्यादा समय में पैसेंजर लोग अक्सर शिकायत करते हैं और इससे बेहतर है कि अगर आप गोड्डा जाएं तो बस से ही चल जाएं, क्योंकि इस रूट पर ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने को लेकर के लंबे समय से मांग चल रही है। खैर, आने वाले नेक्स्ट अपडेट में हम आपको बताएंगे कि क्या इस ट्रेन की रफ्तार बढ़ी है और बढ़ी है तो कितनी बढ़ी है और कब से यह बदलाव देखने को मिलेगा, इसका भी जानकारी हम नेक्स्ट अपडेट में देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और नई ट्रेन का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।